हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन वेल्डिंग वेट एंड कॉस्ट कैलकुलेटर को देखने वाले हैं। बेसिकली ये टूल हमने वेल्डिंग की मटेरियल रिक्वायरमेंट और वेल्डिंग की कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए डेवलप किया हुआ है। जो लोग फैब्रिकेशन में काम करते हैं उनके लिए वेल्डिंग एक डे टू डे एक्टिविटीज वाला सेक्शन है, और वेल्डिंग के हमें जब भी काम करते हैं तो हम उससे पहले उसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट निकालना जरूरी होती है, उसी तरह उसकी कॉस्ट कैलकुलेट भी करना अगर हमें है तो इस तरह के टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। आप आसानी से कैलकुलेशन से भी हाथ से भी कर सकते हैं या तो मैनुअल कैलकुलेशन से कर सकते हैं, पर इसके लिए काफी वक्त लगता है और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी का कोई भरोसा नहीं होता। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स का यूज करोगे तो आप एफिशिएंटली, फास्टली और काफी जल्दी इस टूल के हेल्प से आपका वेल्डिंग का मटेरियल रिक्वायरमेंट और वेल्डिंग का कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए हम बता दूं कि लेट्स पैप पे हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, उनके लिए टूल्स और मोबाइल ऐप्स, इस तरह की जो भी लगने वाली चीजें हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देते रहते हैं और आपका नॉलेज फैब्रिकेशन के फील्ड में बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी इस तरह का नॉलेज हासिल कर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपने आपके ब्राउजर पे गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे लेट्स पैप करके सर्च कर लेना है ताकि आपको हमारी वेबसाइट मिल सके। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक लेट्स पैप करके फर्स्ट लिंक मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्स पैप की फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो यह आपको हमारी वेबसाइट पे लेके आएगा, वेबसाइट का होम पेज। यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे फैब्रिकेशन लेआउट का एक प्री ईबुक भी, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से गेट फ्री बुक पे क्लिक करके कुछ बेसिक डिटेल प्रोवाइड करके आप ये बुक यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आप इससे अलावा और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ ब्लॉग्स भी अवेलेबल है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अभी हम जो आज के कैलकुलेटर्स की तरफ जाने वाले उसके लिए आपने ऊपर टॉप मेनू में देखना है और ऊपर टॉप मेनू से अवर कैलकुलेटर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अवर कैलकुलेटर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जिसपे हमारे जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है जो कि फैब्रिकेशन फील्ड के लिए यूजफुल कैलकुलेटर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें जो बहुत सारे कैलकुलेटर्स के वीडियो हम ऑलरेडी बना के पोस्ट कर चुके हैं और आपको समझा चुके हैं कि किस तरह से इनको यूज करना है और किस तरह से इनकी हेल्प से आप आपका काम आसान कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आप बेसिकली हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर की प्लेलिस्ट में जाके ये बाकी सारे कैलकुलेटर्स की भी वीडियोस देखकर उन कैलकुलेटर्स का भी यूज करना समझ। तो चलिए अभी हम आज के कैलकुलेटर्स की तरफ जाते हैं, तो जिसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। रात का जो हमारा कैलकुलेटर है वो है वेल्डिंग वेट एंड कॉस्ट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेल्डिंग वेट एंड कॉस्ट कैलकुलेटर बेसिकली वेल्डिंग का वेट और मटेरियल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे अगर आप एक बटन बना हुआ है क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर, आपने जस्ट इस बटन पे क्लिक कर देना है ताकि आपको इस कैलकुलेटर पे ये पेज कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह का एक कैलकुलेटर है, मैं जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, तो ये वेल्डिंग वेट एंड कॉस्ट कैलकुलेटर का मेन पेज है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड पे एक साइड बार बना हुआ है जहाँ पे हमारे अदर जो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है उनके लिंक है, आप यहाँ से कोई भी कैलकुलेटर्स पे जा सकते हैं। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो हमारे कुछ फैब्रिकेशन के कोर्सेस है हम लोग जो ऑफर करते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इसमें से किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम इस कॉस्ट के कैलकुलेटर की तरफ देखें। बेसिकली हमारे वेरियस टाइप की जो वेल्डिंग जॉइंट्स है उनके कैलकुलेशंस करके आपको वेल्डिंग का वेट और कॉस्ट कैलकुलेटर हेल्प करता है। और आपका जो कंजम्पशन है वेल्डिंग मटेरियल का, जो भी जॉइंट्स है फ्लेट जॉइंट और बट जॉइंट में, उस तरह के डिफरेंट सेक्शंस के लिए किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे उसके लिए ये कैलकुलेटर विकसित बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन बना हुआ है सिलेक्ट वेल्डिंग जॉइंट टाइप, जो वेल्डिंग के जॉइंट टाइप है उसका एक सिलेक्शन यहाँ पर है। इसमें से आपको जो भी जॉइंट का टाइप है, यानी कि क्या होता है जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो अलग अलग जॉइंट सेक्शन पे हम वेल्डिंग करते हैं, तो स्क्वायर बट वेल्ड है, सिंगल वीवेल वेट वेल्ड है, डबल वीवेल वेरिएबल एंगल और फिलेट वेल्ड, इस तरह के बेसिक जो कुछ वेल्डिंग्स होते हैं वेल्डिंग के जॉइंट सेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर ऑप्शंस लिए हुए। आप इसमें से जो है ऑप्शन जो आपका वेल्डिंग है, यानी कि जिस सेक्शंस में भी आप जिस टाइप के जॉइंट टाइप का आपने यूज किया हुआ है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिलेक्शन पैनल है, यहाँ से आपके वेल्डिंग जॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका हमें वेल्डिंग का मटेरियल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। आप जैसे जिस पे क्लिक करोगे तो वो सेक्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और उसकी इमेज यहाँ पर नीचे अवेलेबल हो जाएगी ताकि उसका आपको रिक्वायरमेंट आ सके। तो मैं जैसे सिंगल बट वेल्ड यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये है इमेज इनपुट इमेज सेक्शन, यानी जो टाइप आपने सिलेक्शन किया है उसके इनपुट किस तरह से लेने हैं और उसका जो नॉमिनेट है जैसे कि ये भी एच क्या है, एफ क्या है, इस तरह की जो चीजें है वो यहाँ पर आपको इस इमेज से समझना है ताकि आप जो नीचे इनपुट डाटा सेक्शन है उसमें सही से आपकी डाटा की इनपुट दे सके। अगर आप गलत इनपुट प्रोवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी गलत आएगा, तो इसलिए आप पहले इस इमेज को अच्छे से स्टडी कर ले, इस इमेज में होने वाले जो नोटेशन है उसको समझ ले कि कौन सा नोटेशन किस चीज के लिए है और आप उन नोटेशन का यूज करके आपका जो वेल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके इनपुट इमेज सेक्शन के नीचे एक यूनिट सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से आप आपकी वेल्डिंग की जो डायमेंशन है उनके यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एमएम में डाल सकते हैं या तो इंचेस में डाल सकते। अगर आप इंचेस में डाल रहे हो तो आपने ये नोट जरूर पढ़ लेना है। नोट में क्या है, बेसिकली जब भी हमें इनपुट करना है तो हमें डेसिमल में करना है, जैसे 1.25, यानी अगर हमारे पास फ्रैक्शन का डाटा है 1/1/4 तो इसको हमें इस इनपुट में 1.25 करके डाल
निकालना पड़ेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 0.25 कहां से आया, तो ये 1/4 का फ्रैक्शन फैक्टर है जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे क्लिक टू डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट पे क्लिक करोगे तो एक चार्ट ओपन हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप आपकी जो भी फ्रैक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल फैक्टर यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/4 का फ्रैक्शन फैक्टर 0.25 लिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है जो कि 1.25। तो इस तरह से अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट का नहीं पता है, तो आप इसकी हेल्प से आपका फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट डेसिमल फैक्टर यहाँ पे ले। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारा एक इनपुट डेटा सेक्शन से यहाँ पे आप देखोगे तो इस जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने जॉइंट सिलेक्शन किया है, अभी सिंगल वी जॉइंट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे मैंने इसके जो इनपुट सेक्शन से जितने भी वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे आर अगर आप देखोगे तो आर ये रूट गैप है। जस्ट मैं आप रैंडम एग्जांपल के थ्रू रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ। मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1.5 का मेरा रूट गैप है। रूट पेस यानी इसका हाइट कितना है, एफ रूट पेस का 1.5 ले रहा हूँ मैं, रूट गैप भी 1.5 ले रहा हूँ ताकि आसान हो। उसके बाद बीवेल एंगल, बीवेल एंगल यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं नॉर्मली कंसिडर कर रहा हूँ आपका 75 एंगल है। बेड हाइट है, तो ये अगर देख रहे हो तो ये ऊपर का बेड है का हाइट कितना है वो यहाँ पे है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए 2.5 mm डाल दे रहा हूँ। मैं रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ, आपकी जॉइंट कॉन्फ़िगरेशंस की वैल्यू डालिए। वेल्ड बेड ऑफसेट, बेड और ऑफसेट ओ यानी कि ये इस जॉइंट से कितना बाहर है, तो ये यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ 1.5 mm है। उसके बाद है टी प्लेट थिकनेस, यानी कितनी थिकनेस की प्लेट का आप वेल्ड करने वाले, तो ये यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ 12 mm की प्लेट थिकनेस में यहाँ पे लेने वाला हूँ। और वेल्ड का लेंथ यानी आप टोटल कितनी लेंथ में ये वेल्डिंग करने वाले हो, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मैं 10 मीटर की लेंथ में यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने mm अगर सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे mm ले लेता हूँ, ठीक है। तो mm लेने के बाद मैं सारे डायमेंशन में mm में डाले हुए, ओके। तो आपने वेल्ड लेंथ भी mm में डालना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख सकते वेल्ड लेंथ है, तो आप यहाँ से सारे mm में डालना है ताकि आपका आंसर जो है सही से आ सके। इसके बाद अगर आप देखोगे इनपुट डेटा सेक्शन के बाद, यहाँ पर वेल्ड का मटेरियल और डिपोजिशन इफिशियंसी सिलेक्शन के लिए, ये बेसिकली इसलिए जब भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या है, एक्चुअली जो हमारा मटेरियल होता है वो अलग अलग वेरिएशन का रहता है, यानी कि हमारा कार्बन स्टील रहेगा, स्टेनलेस स्टील रहेगा, जिसका हम वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग का वो मटेरियल अलग हो सकता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे स्टेनलेस स्टील ले लेता हूँ या तो कार्बन स्टील ले लेता हूँ, ठीक है। आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये हमने रेडी यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है कि आप इसमें से मटेरियल आपका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कार्बन स्टील मैंने लिया है जिसकी डेंसिटी नॉर्मली 7.86 रहती है। तो अगर उसके बाद एक वेल्डिंग डिपोजिशन थी, यानी कि जो भी हम वेल्डिंग का प्रोसेस यूज करते वो 100% जितना मटेरियल फिलर वायर में है उतना ही उस वेल्ड पे डिपॉजिट नहीं करती है, उसमें से कुछ जो हमारा फिलर है वो वेस्ट जाता है। तो इस तरह के ये बेसिक कुछ अजम्पशन के हिसाब से प्रोसेस है और उसके हिसाब से कितना उसका इफिशियंसी रहती है वो यहाँ पे दिया हुआ। अगर आप SMAW वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर रहा है तो इसमें 55% ही डिपॉजिशन होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि जितना भी आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रॉड है उसमें से 55% ही वेल्डिंग पे डिपॉजिट होगा और बाकी सारा वेस्टेज जाने वाला है। GTAW और GMAW तो इसमें अराउंड 95% आपका जो वेल्डिंग मटेरियल है वो डिपॉजिट होने वाला है और इसमें लॉसेस बहुत कम होने वाला है। FCAW में भी 90% और SAW में 100%। तो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ GTAW मेरा वेल्डिंग प्रोसेस है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मटेरियल डेंसिटी और डिपोजिशन इफिशियंसी इस तरह के वैल्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो वेल्डिंग का मटेरियल है वो अलग है, तो आप यह डायरेक्टली मैनुअल भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। ये हमने मैनुअल के रखा हुआ है, अगर आपके पास ऑलरेडी डेंसिटी पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उस मटेरियल की डाल सकते हैं अगर इस लिस्ट के अलावा आपका कोई मटेरियल है। और अगर आप इसके अलावा कोई और वेल्डिंग प्रोसेस है तो आप उसका भी जो डिपोजिशन इफिशियंसी जो आपको पता रहेगा तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। या तो आप अगर कंसिडर कर रहे हैं कि आप 95% भी नहीं इफिशियंट रहेगा, इससे भी कम रहेगा, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये हमारा जो वेल्डिंग मटेरियल डिपोजिशन इफिशियंसी का सेक्शन है, इसके नीचे अगर आप देखोगे वेल्डिंग का कॉस्ट, अगर आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, वेल्डिंग का जो मटेरियल है यानी उसका पर केजी का कॉस्ट कितना आपको पड़ता है वो यहाँ पे इनपुट कर देना। मैं जस्ट अब रैंडम वैल्यू 100 rupees कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे हिट करता हूँ। जैसे आप इसको कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक आउटपुट डेटा सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपका जो सिलेक्शन जॉइंट सेक्शन है उसका इमेज यहाँ पे दिख रही होगी। अगर आप देखोगे तो इसका यूनिट वेट यानी एक मीटर में इसका 1.14 kg ये कंज्यूम करेगा। और टोटल जो हमारा जितने मीटर्स हमने दिए थे 10 मीटर्स के लिए हमें 11.36 kg फिलर मटेरियल लगेगा। और अगर हमारा जो हमने कॉस्ट प्रोवाइड की है उसकी बेस पे अगर आप देखोगे तो हमारे एक मीटर के लिए हमें 113.64 rupees का कॉस्ट पड़ेगा और टोटल कॉस्ट हमारे वेल्डिंग का 1136.43 इस तरह का वेल्डिंग का कॉस्ट रहेगा। बेसिकली ये वेल्डिंग का वेट यहाँ से आपको मिल जाएगा और कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली इस कैलकुलेटर्स में वेल्डिंग का वेट एंड कॉस्ट कैलकुलेशन होता है और उसकी हेल्प से आप आपके जितने भी जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है ऊपर जो हमने
ये ज्वाइंट सिलेक्शन, आप इसमें से जो आपका वेल्डिंग ज्वाइंट है आपको सिलेक्ट कर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करके आप इसे आपका वेट कैलकुलेशन और कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये सिंबल्स है। अगर आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में और जानना चाहते हैं तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक टर्म्स एक्सप्लेन की हुई, आप इनको पढ़ के भी ये चीजें समझ सकते हैं। इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो भी यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको आप कंप्यूटर पे नहीं यूज करना चाहते इस ऑनलाइन कैलकुलेटर को, तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप्स और एप्पल ऐप्स को भी डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो इस तरह के बेसिकली हमारा इस वेल्डिंग कैलकुलेटर है। तो इस तरह से आप इन कैलकुलेटर के हेल्प से आपके जितने भी जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है उसका वेल्डिंग वेट एंड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर इसी तरह से और भी कोई टूल की आपको रिक्वायरमेंट रहती है डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में, तो आप उनको हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे। कोई कैलकुलेटर अगर बनना चाहता है तो उस तरह से कैलकुलेटर वहाँ पे डेवलप करते हैं, या तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो उनको लाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने और भी दोस्त जो लोग फैब्रिकेशन में काम करते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी लेटेस्ट के बारे में बता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।